और भाई क्या हाल है सभी लोग का। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए देख लेते टू ACC आपका नई दिल्ली का रिव्यू है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिव्यू है। और एक चीज़ यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो रिव्यू है भाई आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि हम तो भाई एकदम चुप थे। ये कैंडिडेट जो हुआ है वो सारा कुछ बक दिया है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक इस मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिव्यू आपका होने वाला है। तो यही कहेंगे कि आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपका कोई भी चीज़ छूट ना जाए। देख लीजिए, आप अगर कोई मूवी देखते हैं तो क्या 2 घंटा आराम से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं, लेकिन आप 10 मिनट केवल पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आप हमसे नीचे कमेंट में बोलिएगा कि भैया मेरा ये डाउट रह गया, कि सर मेरा ये डाउट रह गया। कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ये दिल्ली का जो रिव्यू हमको मिला है मतलब कि काफ़ी टॉप रिव्यू है। हम ऐसा रिव्यू अभी तक नहीं लिए थे किसी कैंडिडेट के द्वारा, लेकिन ये जो रिव्यू है हमको काफ़ी मतलब कि प्रभावित किया है। तो चलिए देखते हैं। और आप अगर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। आप केवल अपने वीडियो देख कर मत रखिए, शेयर करना है आपका। चलिए यहाँ पर हेलो भाई, रिव्यू देना है 2 ACC न्यू दिल्ली का। चलिए तो हम बोले भाई स्टार्ट करो। 28 का था इनका, ठीक है, 285 का रिपोर्टिंग था टोटल, लेकिन 20 से 25 ऑब्सेंट हैं। अब आगे क्या हुआ यहाँ पर, तो मेरा चेस्ट नंबर 24 तो था, पहले ही ग्रुप में रेस के लिए आ गया था मेरा नंबर। 63 बच्चे भागे थे मेरे ग्रुप में और 10 निकाल दिए गए थे, यानी कि 63 में से 10 कैंडिडेट इनके ग्रुप से रेस में बाहर हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 56 मेरे ग्रुप में सेलेक्ट ही, मतलब कि रेस में इनका 56 ही बच्चे इनके ग्रुप से चुने गए और बाकी 10 जो है बाहर कर दिए गए। बाद में PFT 2 हुआ, उसमें से 6 बच्चों को दोबारा से करवाया गया। और ये क्यों करवाया गया हम पूछे यहाँ पर, देखिए उसमें से 2 को अंदर ले लिया और 4 को वहीं रखा था और हमें भेज दिया कि चेयर पर बैठ जाइए और ताकि आपका L1 हो सके। हाँ, और देखिए, और यहाँ पर बोले हैं कि और भाई एक तो PFT 2 में स्क्वाट्स भी नहीं कर पा रहा था और पुशअप भी नहीं लगा पा रहा था बच्चों से, तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करवाते हैं पुशअप में। तो दिल्ली में क्या सीन चल रहा है कि आपका होल्ड नहीं करवाया जा रहा है। बाकी सारे सेंटर में अंबाला में देखें कि होल्ड करवाया है, 5 से 6 सेकंड आपको होल्ड करवाया गया है, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ है कि बिल्कुल भी होल्ड नहीं करवाते हैं पुशअप में। और पहले वो करके बताते हैं, यानी कि आपको पहले वो करके बताएंगे जो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर आपका रहेंगे, वो बोलेंगे ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो आपको एक बार इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उनके द्वारा कि ऐसे बाबू आपको करना है, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप ऐसे करिएगा, ठीक है। और पहले वो करके बताते हैं कल मतलब कि कैसे करना है। हाँ, बस 30 से 45 सेकंड पहले पोजीशन लेते हैं पुशअप के, उसमें होल्ड करवाते हैं, ठीक है। जब बस 30 से 45 सेकंड पहले पोजीशन जब आप लेते हैं उसी समय आपको थोड़ा सा होल्ड करवाते हैं। बाद में जब वे वन बोलेंगे तो अप और डाउन होकर रुक जाना है, यानी कि जब वो एक बोलेंगे आपका, देखिए यही से बोले कि ये जो कैंडिडेट है काफ़ी मतलब कि सारा कुछ ही शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, बाद में जब वो अगर वो कमांडिंग ऑफिसर जब आपका वन बोलेंगे तो आपको अप और डाउन होकर रुक जाना है, एक बोलेंगे तो आपको एक बार अप होना है और एक बार डाउन हो जाना है, तो अब आप एक पुशअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सारा आपका 10 पुशअप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और बाद में आपका DFT और SRT हुआ, मैंने तो बिल्कुल ही एक वर्ड भी नहीं देखा था DFT के लिए। अब यहाँ पर सारा आपके जो मन में जो विचार आ रहे होंगे, अब बताइए कि DFT का भाई प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो ये कैंडिडेट देखिए, फेज वन का जो आप इंग्लिश का तैयारी किए थे, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम देने गए थे, वही आपका काम आएगा। थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाद में देखिए, DFT हुआ और SRT हुआ, मैंने तो बिल्कुल एक वर्ड नहीं देखा था। और DFT के लिए मैंने तो ये सोच कर मैं यहाँ पर बोले कि मैं तो ये सोच कर गया था कि अगर ये फेज वन का इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर दिया है भाई तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ये कैंडिडेट लाया है, यही चीज़ आपको लाना है। आप फेज वन क्लियर कर दिए तो आप फेज टू के लिए क्यों डर रहे हैं? आपका DFT एकदम क्लियर होगा तो होगा। देखिए कैंडिडेट बोला कि अगर हम फेज वन क्लियर कर सकते हैं तो ये फेज टू मेरे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये कैंडिडेट खुद बोला है। स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, फिर क्या हुआ बोलते जाओ, हम बस सुन रहे थे भाई, ठीक है, भागवत गीता की तरह हम इसका बात को सुन रहे थे और ये बोलते जा रहा था, ठीक है। अब देखिए भाई, 27 बच्चे इसमें निकले गए, मतलब कि जो 27 कैंडिडेट इसमें निकाले गए, SRT और DFT मिलाकर आपके 27 कैंडिडेट बाहर हो गए जब रिजल्ट सुनाया गया। तो आगे क्या हुआ, और बच्चों को चेस्ट नंबर बोलते गए जिसका नहीं हुआ और यानी कि यहाँ पर है बोलते गए और जिसका नहीं हुआ और बोले कि वो बच्चे अपने बैग लेकर आ जाओ
और लास्ट में बोले कि दीज स्टूडेंट वेर अनेबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, और उनको भेज दिया, यानी कि और बिटवीन में फॉर्म भी भरवाया रहे थे, यानी कि जो आपका फॉर्म वाला काम था वो भी वो बाद में एक से लेकर एक पाँच घंटे यानी कि डेढ़ घंटे के बाद रिजल्ट आया आपका, एक से डेढ़ घंटे के बाद आपका रिजल्ट आया था, DFT और SRT का रिजल्ट आपका डेढ़ घंटे के बाद आया था। उसके बीच में फॉर्म भरवाया गया था और बोला था कि ब्रेकफास्ट कर लो जिनको करना है, यानी कि आपको बायोडाटा का फॉर्म भरवाया गया था बीच में, और जिसके बाद आपका और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद देखिए चेस्ट नंबर के साथ फ़ोटो क्लिक किया आपका हुआ, यानी कि आपका भी होगा वहाँ पर चेस्ट नंबर के साथ फ़ोटो क्लिक की गई था उन्होंने, बाद में उन्होंने GD के लिए ले मतलब कि इनको ले गया गया, बाद में GD के लिए ले जाया गया था, ठीक है। हमसे पहले जो ग्रुप था उनका क्रैकर्स के ऊपर आया था, इनके पहले जो ग्रुप था टॉपिक था उनका क्रैकर्स के ऊपर आया था, और हमारे ग्रुप का जो टू सेकेंड वाला जो GD का ग्रुप था हमारा आया था कि टॉपिक जो हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ड्रग्स मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है भाई। बस यहाँ पर देखिए आपका फॉलो होना चाहिए, नहीं मैंने यानी कि थोड़ा सा ये वर्ड में काफ़ी लोग गलत करते, भाई बस फॉलो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोले हैं कि नहीं देना है GD में। मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला था, यानी कि बीच में रुकना नहीं है, आपको याद रखना है कि अगर आप एक बार ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देंगे तो आपको बीच में नहीं रुकना है, कंटिन्यू आपको बोलते जाना है, ठीक है। अब देखिए और वहाँ जो मैम थी वो बोली कि तुमने सारे डिफिकल्ट लेवल को क्लियर कर लिया है, बस तुम्हारे ये इजी टास्क बचे हैं, यानी कि वो जो मैम थी वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए गर्ल्स थी, ठीक है। और बोली कि हम तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, ठीक है भाई। मैंने तो एक बार ही चांस निकाला था अपने लिए ताकि मैं बोल सकूं, और उसमें अच्छे से 4 से 5 लाइन बोल दी थी, ठीक है। और फिर इवनिंग में सभी का कंप्लीट हुआ, और देखिए और जिनका क्लियर हुआ था उनको अलग से वहीं पर बैठाया गया, और दोनों ग्रुप जिनका क्लियर हुआ है और यहाँ पर देख जो दोनों ग्रुप जिनका क्लियर हुआ है और नहीं उनके दूसरे ग्रुप के क्लैपिंग कराने के लिए कहा गया, ठीक है। जिसका क्लियर हो जाता थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया जाता है, क्लैपिंग करा कर उनको कहा गया। फिर बोला गया कि फिर हमसे मेडिकल का फॉर्म भरवाया और रात को लगभग 8 बजे के आसपास हमें निकाल मतलब कि छोड़ दिया गया वहाँ से। टोटल 86 को मेडिकल के लिए मतलब कि आपका सिलेक्शन हुआ, 86 कैंडिडेट 2 ACC ने दिल्ली 28 तारीख को यहाँ पर निकले थे मेडिकल के लिए। अब यहाँ पर सारा कुछ आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर GD का टॉपिक जो था आपका देख लिए। और चलिए एक क्वेश्चन भाई, रेस में दोनों ग्रुप से कितने आउट हुए थे, दोनों कौन से ग्रुप पूछे हैं, रनिंग के लिए कितना ग्रुप बनाया गया था भाई। ये देखिए मतलब कि ध्यान से नहीं देख पाए थे क्योंकि हमारा पहला ग्रुप था, यानी कि सब कुछ हमारा हो जाने के बाद हमें अंदर चेयर पर बैठा दिया गया। वैसे तीन ग्रुप इनको लगा कि तीन ग्रुप है यहाँ पर, तो तीन ही था, ठीक है। ओके भाई, ओवरऑल रनिंग से कितने आउट हुए थे, क्योंकि हमारा 63 बच्चों का ग्रुप था, लगभग 50 के आसपास आपके रनिंग में आउट हुए थे दिल्ली से भाई। कुछ बच्चे 100 मीटर रह गए तो वहीं रुक गए, ठीक है। जो कैंडिडेट हैं 100 मीटर बचा था लेकिन बीच में ही रुक गए, वो कैंडिडेट बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने शुरू से ही तेज स्पीड कर दी थी रेस में, इसी के कारण वो बाहर हो गए थे। यहाँ पर आपका एक रेस में एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करिएगा, थोड़ा सा वीडियो देखिए 8 मिनट का हो गया, देखिए क्योंकि उन्होंने शुरू से ही तेज स्पीड कर दी थी रेस में भाई। मैं लास्ट के 4 से 5 बच्चे के आगे था रेस में, मैंने यही सोचा कि मेरा आगे ये मेरे आगे निकल रहे हैं, बस मैं एक स्पीड से दौड़ता रहा, ठीक है। जो कैंडिडेट तेज़ी से मतलब कि आप स्टार्टिंग में अगर पूरा फास्ट दौड़ जाइएगा तो बाद में आपको मतलब कि नहीं दौड़ पाइएगा आप लोग, यही कहना चाहते हैं ये कैंडिडेट कि आपको एक मॉडरेट स्पीड आपको रखना है, ठीक है। मतलब कि जैसे दौड़ते रहिए आप बीच बीच में, शुरू में आपको क्या करना है कि काफ़ी मतलब सिंपल दौड़ना है, बाद में आपको स्पीड बढ़ा देना है, ठीक है, जैसे कि ये कैंडिडेट किया था। और जब 100 मीटर के आसपास रह गया तो मैंने पूरी स्पीड से रेस को लगाना शुरू कर दिया था, तो आप भी यही करिएगा। पहले आपको क्या करना है कि शुरू में फास्ट नहीं दौड़ना है, बस कंपटीशन मत रखना दूसरों से, यानी कि अगर लास्ट भी हो तो भी आपका हो जाएगा, कंपटीशन में स्पीड तेज मत करना क्योंकि स्पीड लास्ट में दिखा दी मैंने, ये एक बोलने कि मैंने अपना स्पीड लास्ट में दिखा दी थी, ठीक है। और लास्ट में देखिए 5 से 6 बच्चे और कट कर दिए, यानी कि 5 से लेकर 6 बच्चे और कट कर दिए, और जो स्पीड से दौड़े थे उनकी सांसें फूल गई थी और लास्ट में वे रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप स्पीड में ज़्यादा मत दौड़िएगा,
तो दिल्ली वाले कैंडिडेट को क्या एडवाइस दोगे, रनिंग कैसा ये लोग, मतलब कि आप लोग कैसे पूछें कि कैसे क्लियर करेंगे ये लोग? देखिए जी हाँ, वे लोग जाएंगे तो अंदर बैग रखने के लिए वही रेस फिनिश होगा, यानी कि वे लोग जाएंगे तो अंदर बैग जहाँ रखा जाएगा वही रेस आपका फिनिश होगा, यानी कि और देखिए, और जब पहले रेस होगी तो कुछ डिस्टेंस से दिख जाएगा कि कहाँ से रेस ख़त्म होगा, जैसे कि वो ग्राउंड दिखा, मतलब कि जैसे कि वो ग्राउंड दिख जाए जहाँ से बैग रखे, वहीं से पूरी स्पीड से रेस कर देना है, यानी कि आपका जहाँ से बैग रखिएगा वहीं से आपका, देखिए वहाँ वहीं से पूरी स्पीड से रेस को कर देना है। बस दिमाग का खेल है भाई, टेंशन मत लेना कि लास्ट में या फिर पीछे रह जाएंगे। मैं सिर्फ यानी कि जो कैंडिडेट है बोलना चाहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 दिन ही प्रैक्टिस किया था रनिंग का और मेरा हो गया। जीडी कैसे क्लियर करना है कैंडिडेट भाई, मैंने सिर्फ एक बार ही, मतलब कि मैंने सिर्फ एक बार ही बोला था 4 से 5 लाइन, लेकिन अच्छी से और हो गया मेरा, मतलब कि एक बार ही ये बोले थे 4 से 5 लाइन, काफ़ी अच्छा से बोल दिए थे, तो इनका सिलेक्शन वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में हो गया था। तो दिल्ली के अगर जा रहे हैं तो आपको रेस में पहले आपको रेस और जीडी ही मेन चीज़ है, तो रेस को कैसे करना है आपको, सबसे पहले आप दौड़ना शुरू करिएगा तो आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो जैसे दौड़ते सिंपल में वैसे ही, अगर आपका जब लास्ट में आपका 100 मीटर बच जाएगा तो वहाँ से आपका मतलब कि घोड़े जैसा स्पीड को रखना है कि ताकि आप निकल जाए, ठीक है? 100 मीटर जब आपका बचेगा तब तो आप स्पीड बढ़ाइएगा, शुरू में आपको वही मॉडरेट आपका चलना है, ठीक है? और देखिए वे बस ये देखना चाहते हैं कि कहीं हेजिटेशन तो नहीं है और इनकी नॉलेज कैसी है, ठीक है? आपका ग्रुप डिस्कशन में हेजिटेशन और आपका नॉलेज को चेक किया जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना है बिना फ्लो के, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगा। डीएफटी इंग्लिश जो टेस्ट हुआ उसको क्या मतलब कि क्या करना चाहोगे भाई, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। मैंने तो एग्जाम के टाइम पढ़ना फेज वन के उसी का नॉलेज से किया, मैंने रिजल्ट के बाद एक बार भी इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और देखिए लेकिन एसआरटी की प्रैक्टिस की थी। ओके भाई, ट्रैक कैसा था? मैंने रनिंग, देखिए बिल्कुल क्लियर आपका रोड मिलेगा रनिंग का, और देखिए सीधा था। एनी वे बता रहे हैं कि कंपटीशन की रेस नहीं है, वो कैंडिडेट को बोल रहे थे जो आपके कमांडिंग ऑफिसर थे कि ये कंपटीशन का रेस नहीं है, तुम्हें फर्स्ट सेकेंड या थर्ड नहीं आना है, 6:30 तक आपको रेस कंप्लीट करना है, बस आप पीछे रहे आगे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपटीशन का रेस नहीं है, वो पहले ही बोल दिए थे, और 6:30 तक आपको रेस कंप्लीट करना है। मैंने लास्ट 4 से 5 बच्चों के आगे था, यानी कि ये जो कैंडिडेट था 4 से 5 बच्चों के आगे था, लेकिन ब्रेन में मैं ये नहीं होने दिया कि तुम तो पीछे रह जाओगे या उसी से स्पीड, मतलब कि अपने ऊपर ये नेगेटिव चीज़ को हावी नहीं होने दिया और दौड़ते चले। और जब लास्ट में जब सभी थक गए तब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, दिखा दिया है स्पीड बच्चा की कितना दौड़ता है, क्योंकि बच्चे पहले तो कंपटीशन में रेस शुरू कर देते हैं। आपका आपका यही प्रॉब्लम है कि देखा देखी आप तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देते, बाद में यही होता है कि बाहर होना पड़ता है। तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि क्योंकि देखिए कंपटीशन में रेस शुरू कर दिए थे और बाद में उनको जब रेस कंप्लीट होना, जब एंड पॉइंट पे, तो बच्चों को भागा नहीं जा रहा था, जब आपका अंतिम पड़ाव आया रेस को क्लियर करने का तो इनसे दौड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये थक गए थे, सांसें फूल रहा था। तो इस चीज़ को आप लोग देख कर चलेगा भाई, 4 से 5 टर्निंग आएंगे, यानी कि आपका जो रोड होगा 4 से 5 आपका टर्निंग पॉइंट आएगा। और कुछ क्या भाई पूछना है? नहीं भाई, नाम बता दूँ तो हिमांशु है, यहाँ पर रोहतक के हरियाणा के कैंडिडेट हैं यार। ये देखिए आपका ये था, यहाँ पर देखिए ये था आपका, यहाँ पर रेस होने वाला है आपका, ये 2ACC न्यू दिल्ली का ये ट्रैक है, ठीक है? और सब कुछ आपको दिखा देते हैं यहाँ पर पूरा, देखिए यही चीज़ है आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, यहाँ पर आपको बोर्ड भी दिख गया, ये जो बैरिकेड लगा रखा है वहाँ देखो व्हाइट लाइन दिख रही है, ठीक है? व्हाइट लाइन दिख रही है, वहाँ से रेस शुरू होगा, यानी कि जो आपका बैरिकेड दिख रहा है वहाँ से, जहाँ से व्हाइट लाइन लगाया रख, देखिए वहाँ बीच में देखिए आपका, वहीं से रेस शुरू होने वाला है, ठीक है? और कुछ यहाँ पर है नहीं, सारा कुछ यही था आपका, ठीक है भाई? अब कुछ नहीं है। तो ये अब था आपका 2ACC न्यू दिल्ली का, काफ़ी बढ़िया था जीडी, और आपका सब कुछ इजी था वहाँ पर, तो टेंशन मत लीजिएगा, जाइए वहाँ पर क्लियर करके आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, सब कुछ सिंपल है। रनिंग कैसे करना है और जीडी कैसे आपका तैयारी करके जाना है, सारा कुछ हम बता दिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।